महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सोनल। आज हम मौजूद है यहाँ पे हनुमान नगर में और यहाँ पे हम नागरिकों की समस्या के बारे में जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनको पूछेंगे कि आपका विधायक कौन है, इस बारे में उनसे जानेंगे। चलिए जानते हैं। अभी हम मौजूद है विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हनुमान नगर के समीप। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अनिल पात्रीकर सर। आइए जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मी अनिल सदाशिव पात्रीकर रघुजीनगरमध्ये राहतो आणि आता प्रत्येक उमेदवार आपापला विचार करून इलेक्शन करता आपापला अजेंडा देत असतो, पण खर्तीच्यामध्ये खऱ्या नागरिकांची आवश्यकता काय आहे ते कोणाला सांगत नाही। त्याच्याकरता आमची अपेक्षा ही आहे की पहिले हे रेवडी जे वाटप आहे, कोणाला हे पैसे कोणाला ते पैसे, हे कोणाच्या ज्यात आम्ही टॅक्सपेअर आहे, आमच्या ज्यातनं ते भरतात आहे, त्यांनी स्वतःच्या पार्टीच्या खर्चातनं भरावे, आम्हाला काही ऑब्जेक्शन नाही आहे। दुसरे की काही काही रस्त्यांचे कामं चाललेले आहेत, उंची वाढते आहे, लोकांच्या घरात पाणी जाते, त्याच्यावर प्लॅनिंग जे PWD डिपार्टमेंट असावे असतील त्यांनी थोडंसं इकडे लक्ष द्यावं। आणि दुसरं काय, शहरामध्ये नवीन पुतळे करू नका, पण जे जुने पुतळे आहेत त्यांचं देखभाल व्यवस्थित झाली पाहिजे। दुसरी गोष्ट ही आहे की महालमध्ये जनरल जे जुने वाडे आहेत, ज्या ऐतिहासिक वाडे आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। नागपूरला टिळक पुतळा टू अभ्यंकर पुतळा याच्यामध्ये देशमुख वाडा एक आहे, देशमुख त्या वाड्यामध्ये आतापर्यंत हिराबाई बडोदेकर गायक होत्या, जुन्या तुनशील होते त्यांना, आणि मंगेशकर फॅमिली आणखी इतर नाटक क्षेत्रातले सिनेमा क्षेत्रातले लोकांना तिथे त्यांना शेल्टर मिळत होतं, बैठकी होत होत्या त्यांच्या। आज त्या वाड्यामध्ये कोणी पाहायला लक्ष नाही द्यायला, तर असे वाडे जे आहेत अशाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे असं मला वाटतं। दुसरे रस्त्याच्याकडे कंडिशन आणि बाकी जे दंगे धुपे वगैरे होतात तिकडे, बाकी सिनियर सिटीजनला थोडंसं लक्ष द्यायला पाहिजे। हां बिलकुल। आमदार मोहन मते जी इकडले आमदार आहेत, त्यांच्याकडनं तुमची काय मागणी आहे? नाही, आमदार मोहन मते फार चांगलं काम करतात आहे, त्यांना सांगायची जरूर, ते आपणच करतात। आमच्याकरता इथे लायब्ररी बांधतात आहे हनुमान नगरला, फार छान लायब्ररी बांधतात आहे, ते इज बेस्ट पर्सन। परत ते आमदार या क्षेत्रातून निवडून आले पाहिजे का असं तुम्हाला वाटते का? नाही, हा पॉलिटिकल प्रश्न आहे, कारण की मला काय वाटतं त्याला सांगते, इज गुड पर्सन। मी आधी सांगितलं जुने होते तेही चांगले होते, पण दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टी, नॉट बाय पात्रीकर, असं मला वाटतं। माझं नाव माजी सैनिक श्यामदेव तितरमारे। सर, विधानसभा क्षेत्र आता जे येणार आहे त्यावर आपलं काय मत आहे? महायुतीचं जे काही आता बनून राहिलं आहे प्लॅनिंग, त्या प्लॅनिंगमध्ये BJP नियरली मेरेकडे 70% शेअर मिलेगा और उसके अंदर में 60% BJP विन करेंगी और मिलीजुली सरकार दोबारा बनेंगी, इतना हमको विश्वास है, क्योंकि हम हैं नरेंद्र मोदी के फॉलोअर, मोदी है तो मुमकिन है। और अगर आमदार मोहन मते जी आए तो? वो ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नरेंद्र मोदी, आई डोंट नो हु इज मोहन मते, आय नो ओनली ही इज बिलॉंग टू नरेंद्र मोदी मॅन। अभी मॅडम देखिए, अभी सीनियर सिटीजन को भी उन्होंने भगवानों के दर्शन करने का प्लान किया, बहुत ही अच्छी बात है। मेडिकल ट्रीटमेंट 5 लाख के तक के दिया है पूरे परिवारों को, और सीनियर सिटीजन को पहले कवर नहीं थे, अभी वो भी आ गए, बहुत सबसे अच्छी बात है मैडम। लाडली बहन योजना जो आम लेडीज़ को इतनी रिलीफ मिलेंगी उसकी, कि जो 1500 रुपया उसको मिलेंगे तो उसके जो नीड है वो नीड पूरी हो जाएंगे। उसके अलावा किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट का 6000, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 6000, इस तरह से 12000 उनको भी दिया। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 12वीं के लिए ग्रेजुएशन के लिए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए उनको स्टाइपेंड लागू किया है, तो ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों पार्टियों में आपसी तालमेल इतना जुड़ा है कि फेविकोल से भी ज़्यादा जोड़ मजबूत है। आपके हनुमान नगर जो परिसर है इसमें इधर कोई समस्या है आपको, ऐसा कुछ आपको लगता है? बिल है मैडम, पूरे रोड देखो, नाले देखो, सब साफ है, बरसात के दिनों में कहीं रुकता नहीं बारिश, सब हम लोग इजीली लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विधानसभा चुनाव के लिए कोई आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, कोई समस्या नहीं है? मैडम, जिस सिटी का इतना बड़ा गडकरी सर का देश का नेता और फडणवीस सर का महाराष्ट्र का नेता अवेलेबल है, जहाँ फ्लाईओवर की पूरी लाइन ही लाइन लगी है, जिंदगी में हमने भी आज इतने साल हो गए कभी वो नहीं देखे थे, आज फ्लाईओवर जिधर उधर फ्लाईओवर, और पार्डी का फ्लाईओवर तो देखने लायक है, और आने वाला जो अशोक चौक का फ्लाईओवर है ये तो और सुपर बनेगा मैडम। प्रोग्रेस बहुत है नागपुर सिटी की, पूरे रोड देखो जिधर उधर, वर्धा रोड देखो, अमरावती रोड देखो,
कितनी प्रोग्रेस हुई है। पर सर कुछ क्षेत्रों में नागरिकों का कहना है कि यहाँ पे कोई मतलब बारिश आती है तो बारिश का पानी से कीचड़ होता है। मैडम नदी किनारे पर जो नाग नदी के किनारे पर जितनी भी वो बैठे है बस्तियाँ वो सब अनऑथराइज है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने वहाँ पानी सप्लाई किया, रोड बना के दिया, इलेक्ट्रिक दिया। अब इनके जो स्लोप में घर है, जब फ्लड आता है ऊपर के भगवान की देन है, उसको कोई रोक नहीं सकता, पानी तो रास्ता अपना खुद बनाता है। तो ऐसे हालतों में एक दो दिन तो सभी को, हमने अभी सफ़र किया इतने मेन रोड के ऊपर में, तो इस मेन रोड पर भी हमने देखा, और मैंने अपने साहब लोगों को बताया, मैं इतना किसान का बेटा हूँ, मेरा भी ज़मीन है, मेरे आजो पंजोबा के जो बड़े बड़े धुरे थे बांध, वो फूटे इस बारिश में, इतना हेवी बारिश है मैडम, तो एक दो दिन तो सभी तकलीफ हो गई, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो गई, और इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो सभी तो लग्जरियस लाइफ जिएंगे, फिर क्या पता लगेगा लाइफ का। नहीं सर, अभी पांडुरंग नगर जो है एरिया, उधर तो बहुत कीचड़ हुआ है एरिया में, वहाँ पे गटर लाइन नहीं है, पानी की समस्या हो रही है। अनऑथराइज लेआउट है मैडम वहाँ पर, सब अनऑथराइज है, नजुल की ज़मीने पर उन्होंने बना के रखा है। अभी एक एक अभी पट्टे दिया, अभी फडणवीस साहब ने पट्टे दिया, कल परसों 70-80 पट्टे दिया, अब वो एक एक कर रहे हैं उस पांडरा बॉडी बोलते हैं उस एरिया को। और वो मेरा ख्याल जब मेसराम था तब उसने काफ़ी प्रोग्रेस किया था। मैडम वक्त लगेगा, लेकिन है काफ़ी प्रोग्रेस, अब थोड़ा बहुत तो मैडम एडजस्ट करना पड़ता है बरसात में, बरसात तो ऐसी चीज़ है कि कोई रोक नहीं। सर वहाँ पे तो कहा जा रहा है लोगों से कि 15 सालों से यहीं पे यही समस्या हो रही है, तो अभी 15 सालों से अगर यही समस्या है तो आगे और कितना मैडम रेगुलर होने की चाहिए एरिया, इसलिए वहाँ पर कॉरपोरेशन पैसा नहीं लगा सकती। आप किसी पॉलिटिकल आदमी से बात कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। आप कॉरपोरेशन से पूछिए ना उनको बारे में कि उनको फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही है। कॉरपोरेशन से नागरिकों ने बहुत बार निवेदन हाँ। दे रहे हैं, पर शासन प्रशासन अभी गडकरी साहब का अभी 3 दिन पहले वो लगा था दरबार, वहाँ पर ये सब बातों का उलवटा हुआ है, और इमिडिएटली उन्होंने कॉरपोरेशन और पुलिस अधिकारियों को और हाइजीन सैनिटेशन मेडिकल वालों को सबको ऑर्डर किया है मैडम, ऑर्डर हुआ है मैडम। हम लोग तो कार्यकर्ता है, वो तो मेन लीडर है, उन्होंने ऑर्डर दिया है, हो गया मैडम। थोड़ा भी देखो मैडम, बरसात के दिनों में तो थोड़ी बहुत तो भी सेक्रीफाई करने की आदमी ने बुद्धि रखना चाहिए। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में, उसमें प्रॉब्लम कोई ऐसी है नहीं जो कि विधानसभा चुनाव से कनेक्टेड रेगुलर वर्क चलता रहता है, तो और बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं, क्योंकि सब रिटायर्ड लोग हैं फ्रॉम वर्किंग, तो उसके कारण उनकी से अपेक्षा कम है, उनको ज़्यादा हमारे से अपेक्षा रहती है। पर सर आम नागरिकों की तो कुछ समस्या होगी जो अब तक आई होगी अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ खास, क्योंकि जिन लोगों से हम लोग मिलते हैं वो मोस्टली अबव मिडिल लेवल वाले हैं, तो वह हम ही लोग सॉल्व कर लेते हैं अधिकतर। इवन वी डोंट गो टू एनी सेवक जो होते हैं अपने, इनके MLA इनके यहाँ हम लोग ही नहीं जाते, वही लोग बुलाते हैं। जैसे ये हमेशा ही घूमते रहते हैं वोटर्स को लेके, पात्रिकर जी पूरा उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और गडकरी के उसमें भी जाते रहते हैं। अभी तो आप लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रोजगार के लिए अच्छा काम किया है, जर्मनी में पूरा आजी के पेपर में है, में यस मैडम। तो मेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोजगार, जो कि बांग्लादेश में उसके बहाने तख्ता पलट हो गया आरक्षण में, तो ये सब चीज़ें मेन चीज़ है। अगर हम लोग से सही पूछेंगे आप, तो हम लोग चाहते हैं कि सबके लिए स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए, कास्ट ओरिएंटेड रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए कहीं पे भी। स्किल ओरिएंटेड होने से अच्छे लोग आएंगे, देश की उन्नति ज़्यादा होगी। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ही केस था, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चे पढ़ रहे आए थे, तो उनके एक पिताजी आए हुए थे यहाँ, तो हमने पूछा भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बोले मेडिकल में पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं, तो बोले 2 बच्चे हैं। तो बोले, मैंने बोला भाई आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये कैसे एडमिशन कैसे हो गया? अरे बोले साहब हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे बच्चों को ऐसे एडमिशन हो जाता है, 35% 40% में एडमिशन हो गया हमारा, और बाकी लोग नेट भी 650 में GMC में एडमिशन नहीं मिलता। तो एक आदमी के साथ आप इक्वल का तो बिहेव कर ही नहीं रहे, तो उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए ना, ऑप्शन उनका भी रहना चाहिए। और जब वो आदमी जो पढ़ के निकलेगा 40% 30% पे पास वाला,
तो आदमियों को क्या करेगा, मेडिसिन क्या देगा वो? तो इसी तरह की चीज़ें को अवॉइड करना, मेन जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि डिफरेंशिएशन हम बढ़ाते जा रहे हैं। अभी शेड्यूल कास्ट टाइप का जैसे हो गया कि भाई इसमें क्रीमी लेयर देना चाहिए, तो उसको भी बंद कर दिया मोदी जी ने। क्रीमी लेयर का आपको फ़ायदा 75-70 साल में इतना पैसा, इतना डेवलप हो गया उनकी फैमिली, उसके बाद भी आप उनको फिर से वही सुविधाएं दे रहे हैं। अभी आपने क्या पूजा आईएएस वाली जो बदमाशी की, पूजा खेड़कर, अरे हो अब सोचिए आप, इस तरह का जब जहां हो सकता है 11 बार यूपीएससी दी, तो रिजर्वेशन अभी तो उनकी रद्द हो गई है, नहीं हुई, अभी भी चल रहा है केस, दो दिन बाद उनका, हाँ उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो 11 बार यूपीएससी दी करके, तो ये क्या मजाक है कि नहीं है यूपीएससी का? जैसे मेरा बेटा आईपीएस है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो 85th ऑल इंडिया रैंक होने के बाद भी उसको आईएएस नहीं मिला। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको जो अखरने वाला हो जाता है थोड़ा सा। एक जगह एक आदमी 830 नंबर पे आईएएस पा जाता है, और 85th ऑल इंडिया रैंक होने के बाद आपको आईपीएस बड़े मुश्किल से मिलता है। तो ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मन में विद्रोह पैदा कर रही हैं। आदमी विद्रोह तो नहीं कर पा रहा है, मगर हर एक कोई चाह रहा है कि ये तो अन्याय हो रहा है। अभी हमारी मेरे बेटियों की बेटियां यहाँ पढ़ रही मेडिकल कॉलेज में, अब आप गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही है, फीस कितनी है आप बता पाएंगी? जीएमसी के जी छोड़ दीजिए, दत्ता मेघे के मेडिकल कॉलेज है, लता मेघे, एक साल की फीस कितनी आप बताइए? चलिए 22 लाख रुपए अभी, या 23 लाख रुपए पर ईयर, पर ईयर 23 लाख रुपए पर ईयर, खाने का रहने का अलग। तो साधारण आदमी क्या, मिडिल क्लास भी आदमी नहीं दे सकता फीस। तो ये सब चीज़ें नेताओं के पकड़ लिया है, आप उससे पब्लिक को लूट रहे हैं। तो ये लूटने का तरीका बंद करवा सकना, मान लीजिए आप जैसे अच्छा सोचा 1.5 लाख है, मान लीजिए गवर्नमेंट में उसमें आपको 5 लाख लगता है, 10 लाख लगता है, तो वो भी करना चाहिए ना। तो इस तरह का जो सेपरेशन अपन कर रहे हैं सोसाइटी में, वो आज नहीं तो कल तो रिवोल्ट में आएगा ही। तो ऐसा कौन सा मेन मुद्दा है जो विधानसभा चुनाव में रख सकते हैं आमदार द्वारा, या आपको लगता है आम जनता की समस्या? वो तो सब भैया ने बता ही दिया आपको, मेन चीज़ है रोजगार, एजुकेशन, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट। अब यहाँ पे जैसे मिसमैनेजमेंट जो बोलता अपन, भ्रष्टाचार, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये मशीन लगाई गई है कचरा कट करने की, वो बसी जब से लगी आज तक चली नहीं, कचरा उठा के फेंकते हैं, और उसमें बराबर मेंटेनेंस हर साल उठ रहा है, पैसा जा रहा है। यहाँ पे आप बाथरूम जाके देख लीजिए क्या हाल चाल, देख लीजिए एक दफ़े जाते आते, फ़ोटो ले लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट के नाम पे ही जो लोग करते हैं, खासकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जो है ऑल ओवर इंडिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता। तो वो सुधार अगर पाए तब है, हर एक जगह दिख जाएगा, आप थोड़ा सा भी देखेंगे। अभी ये और सिंपल, ये बहुत अच्छी फेंसिंग थी, उसको तोड़ के फिर से वैसी बना दिया, पैसा पूरा उठा लिया लोगों। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट का, जनता का पैसा है, उसको यूटिलाइज कर ले, बस यही बहुत है सबसे बड़ा। मेरा नाम शाहिद मिर्ज़ा है, मैं एमएससी ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी फिजिक्स में किया हूँ मैंने, और अभी मेरा पीएचडी परसों हो रहा है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर यूनिवर्सिटी। अभी हम और हमारे उम्र के जितने भी लोग हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, पिछले 5-6 सालों से एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, वो है बेरोज़गारी। चाहे वो कौन सी भी गवर्नमेंट हो जो सत्ता में आती है, बस वादे देती है और उसके बाद वो उसको पूरा नहीं कर पाती। जैसे कि अभी लेटेस्ट अभी शिक्षक भर्ती हुई है, उन्होंने 55,000 शिक्षक पदे रिक्त है ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन उसमें से उन्होंने सिर्फ 21,000 ही लिया है।
और मेरा जहाँ तक कि इसमें पर्सनल कमेंट उन पर रहेगा वो यही है कि उन्होंने आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके लिए वो मुद्दा उठा के रखा है कि फिर से वो सरकार सत्ता में आ सके, इस वजह से हम उन्हीं को वोट दें और वो फिर से वो भर्ती हो। तो ये क्यों नहीं होता कि एक साथ पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जो बेरोज़गारी है। अब मुझे बताइए, फिर से ये इलेक्शन को टाइम लगता है 4 महीने 6 महीने, फिर उसके बाद और एक साल पूरा जो सेशन है एजुकेशन का, वो फिर से जो स्टूडेंट्स है वो वंचित रह जाएंगे अपने क्लासरूम में, वो टीचर नहीं पाएंगे, वही नॉन ग्रैंड के जो कम प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनसे वो शिक्षा हासिल करते हैं, और जो प्रोफेशनल टीचर है और जो एलिजिबल है जो क्वालिफाइड है तो उनको वहाँ पे मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं उस पर यही बोलना चाहूँगा कि ये तो मेरा इसमें एक पर्सनल हो गया कि मेरा इसमें बेरोज़गारी पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी समस्या है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, मेरा बस इतना ही बोलना है। आम समस्या कोई को? आम समस्या इस सरकार के युवा पीढ़ी की ओर से तो मुझे ऐसी नज़र नहीं आती है, लेकिन हाँ जब भी बेरोज़गारी की बात आती है तो वहाँ पे वो पूरा सक्षम अपना 100% नहीं दे पाते। मुझे लगता है कि जो इतनी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनकी मिनिस्ट्री है कि जहाँ तक के जैसे कि कोई एक लेटर साइन होना रहा तो वो उस तक नहीं पहुंच पाता, उसको फिर वो हॉल्ट हो जाता है, फिर वो पेंडिंग रह जाता है, कई मंत्री दौरे पे चल जाते हैं उनके एक साइन के लिए वो रुक जाता है। जैसे कि अभी दीपक केसरकर साहब जो माननीय एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे महाराष्ट्र के, वो कहीं तो चले गए थे, उनके एक साइन की वजह से वो पेंडिंग हो गया और वो शिक्षक भर्ती 3 महीने तक के रुक गई और उन्होंने अब वो शिक्षक भर्ती ली है जिसमें भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मात्र 1 लाख कैंडिडेट थे, 1 लाख से 1.25 लाख बोल सकते हैं हम, जिसमें से वो अगर 55,000 भर्ती ले लेते थे तो आधी बेरोज़गारी तो मैम सॉल्व हो जाती थी। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो उन्होंने अभी शिक्षक भर्ती लिए है तो उसमें फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड ऐसा लिया है, जो फोर्थ राउंड था वो था विथ इंटरव्यू राउंड, बट उन्होंने एक फ़िल्टर लगाना भूल गए। अब ये उनकी समझदारी बोलो या मूर्खपना बोलो, इतने पढ़े लिखे मिनिस्ट्री में लोग हैं और आयुक्त महोदय है, तो ये कैसा हो सकता है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड में उनके नाम इसमें विथ इंटरव्यू में नाम आ गए। तो ये कहीं ना कहीं मेरिट कम आने में ये सबसे बड़ी बात है। अगर उनका नाम रिजेक्ट कर दिया जाता क्योंकि ऑलरेडी वो उनको नौकरी मिल चुकी थी तो हमारा मेरिट कम आता था और हमें और उसमें चांस मिलता था इंटरव्यू में भाग लेने का। एंड अनदर मेन थिंग कि वो ये है कि MPSC जो होती है तो वो टीचर रिक्रूटमेंट के लिए भी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, तो वो 2013 में लास्ट हुई थी। तब से अभी तक के बहुत सारे हज़ारों पद है जो वैकेंट है गवर्नमेंट कॉलेज में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में के स्कूलों में कॉलेज में, वो अभी तक 2013 से आप समझ सकते हो 11 साल हो गए, अभी तक वो MPSC का कुछ पता नहीं है। सो थैंक यू। महान्यूज 7 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतड़े के साथ सोनल खुर्गे, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार, बनारसी शालों, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर।